हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मैगराज हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स क्लास 9। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। तो देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कैपलर के नियम। तो कैपलर के नियम, तो कैपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित तीन नियम दिए, जिनमें से कि प्रथम नियम है कक्षाओं का नियम। इसे बोलते हैं कक्षाओं का नियम। तो ये क्या होता है कक्षाओं का नियम, यानी प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। ध्यान रखिएगा, ये है कोई ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो ये कैसी कक्षा है, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है ना। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसका केंद्र सूर्य होता है। तो ये दीर्घ वृत्त होता है, ओके। पथ जो होता है दीर्घ वृत्त होता है, और इसीलिए इसे कक्षाओं का नियम कहते हैं। दूसरा नियम है, द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम को बोलते हैं क्षेत्रफल नियम या क्षेत्रफल का नियम। तो ये क्या होता है क्षेत्रफल का नियम, कि ये सूर्य है और ये ग्रह है, तो चक्कर लगाता हुआ ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल काटता है, और ये है इतना और ये है ये। तो यदि TAB बराबर TCD, T क्या है समय, समय समान है तो क्षेत्रफल SAB, ये S बिंदु है, इक्वल टू क्षेत्रफल SCD, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं, कि चक्कर लगाता हुआ ग्रह समान समय में समान क्षेत्रफल काटता है, और इसीलिए इसे क्षेत्रफल का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तृतीय नियम जो है आवर्त कालों का नियम कहलाता है, ठीक है, तृतीय नियम, और इसे बोलते हैं आवर्त कालों का नियम। आवर्त कालों का नियम ये क्या होता है, देखिएगा, ये सूर्य और ये ग्रह है, तो सूर्य के परितः किसी ग्रह की एक परिक्रमा में लगा समय का वर्ग, एक परिक्रमा में लगे समय का वर्ग, सूर्य और ग्रह की माध्य दूरी, ये क्या है त्रिज्या नहीं बोलते इसको, माध्य दूरी बोलते हैं, के घन के समानुपाती होता है। त्रिज्या एक्चुअली क्या होती, वृत्त होता तो ये त्रिज्या होती, लेकिन ये दीर्घ वृत्त है, और दीर्घ वृत्त में ये जो होते हैं, ये ए है, ये बी है, ये दीर्घाक्ष होता है, ये लघु अक्ष होता है, और ये बराबर नहीं होते, इसलिए यहाँ पर ये माध्य दूरी होती है, त्रिज्या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आवर्त कालों का नियम यानी तृतीय नियम में क्या था, कि सूर्य के परितः ग्रह की एक परिक्रमा में लगे समय का वर्ग, सूर्य और ग्रह के बीच की माध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है, यानी t स्क्वायर इक्वल टू k r क्यूब, k कांस्टेंट है, या t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इक्वल टू k, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आवर्त कालों का नियम। तो इस प्रकार से ये कैपलर के तीन नियम, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में न्यूटन ने बताया कि यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 परस्पर कुछ दूरी पर रखे हों, तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण सिर्फ आकर्षण बल होता है,
ठीक है ना, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी करता है। तो समीकरण एक व दो से F प्रोपोर्शनल M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो F इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, जहां G क्या है, इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, और इसका मान होता है 6.67 × 10⁻¹⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है, इन दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल का मान पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों समीकरण को एक साथ लेने पर और जैसे ही समानुपात का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक आएगा और इस नियतांक को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इसका मान 6.67 × 10⁻¹⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो देखते हैं इस पर आधारित अगर हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 20 किलोग्राम व 800 ग्राम के दो पिंड परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? देखिएगा यहाँ पर ये M1 है 20 kg और M2 है 800 ग्राम, तो 800 × 1000.8 kg और दूरी पर कितने पर रखे हैं 40 सेंटीमीटर, तो 40/100.4 meters, तो इनके बीच में बल हो जाएगा G M1 M2 upon R square, तो 6.67 × 10⁻¹⁷ M1 20 M2 8 upon R square 0.4 square, तो ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻¹⁷ और ये आ जाएगा 16 upon 0.16। तो देखिएगा ये दोनों दशमलव हटा दीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा 6.67 × 10⁻¹⁷ × 100। तो इसको हल कर देंगे जब, तो 6.67 × 10⁻¹⁷, ये दो घातें हो जाएंगी प्लस की, तो माइनस का 9 इतने और बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इस प्रकार से ये बल का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, 20 किलोग्राम और 800 ग्राम के दो पिंड हैं परस्पर 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं, तो M1 हो गया 20 kg, अब M2 है 800 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, तो इसको भी हम ग्राम से किलोग्राम में बदल देंगे, कितने किया है, तो 1000 से भाग दिया तो 0.8 kg आ गया। ऐसे ही 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है या 1 सेंटीमीटर में 1/100 meters, तो इसको भी हमने बदल दिया मीटर में, ठीक है। अब सूत्र जानते हैं बराबर G M1 M2 upon R square, तो मान रखा G M1 M2 upon R square, तो इसका गुणा किया और इसका वर्ग किया, तो 0.4 × 0.4 = 16 हो जाएगा और इसको दोनों दशमलव हटा दिया, तो ये 16 से 1600 को भाग दिया तो 100 आ गया, 100 को 10 घात 2 लिख सकते हैं, तो −11 और प्लस की घात 2 गुणा में घातें जोड़ती हैं तो माइनस का 9 बचेगा इतना, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन। तो इस तरीके से इस बल का मान 6.67 × 10⁻¹⁹ न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।